अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एवन किचन। आज हम बना रहे हैं आलू छोले। आलू छोले बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 1 कप हमने चने लिए हैं जो अच्छी तरह उबाल लिए हैं। मैंने सफ़ेद और काले लिए हैं, आप जो मर्ज़ी ले सकते हैं, सफ़ेद चाहे सफ़ेद ले सकते हैं, काले चाहे काले ले सकते हैं। 1/2 किलो आलू लिए जो इस तरह चॉप कर लिए हैं। 1 प्याले टमाटर लिए और वो बीज निकाल के इस तरह चॉप कर लिया, और हमने इसका छिलका भी उतार लिया था। 1 सब्ज़ मिर्च लिए जो इस तरह काट लिए। 1/2 प्याली हमने गोभी ली है, बंद गोभी, उसको बारीक काट लिया है। 1 प्याली प्याज ली है, प्याज हमने इस तरह काटी है। प्याज काट के हमने ठंडा पानी लिया और उसमें 2 चुटकियां नमक डाल दिया, और वो इस तरह की हो गया तो उसकी कड़वाहट बिल्कुल निकल गई है। ठंडे पानी में प्याज की कड़वाहट निकल जाती है। 1/2 प्याली हमने खीरा लिए जो इस तरह काट लिए क्यूब्स में। 1/2 कप हमने इमली का पानी लिया, इमली हमने भिगो के रख दी थी 1 गिलास में, तो उसका जो गुदा सा होता है वो हमने साइड पे कर दिया और पानी पानी इसको छान लिया अच्छी तरह, जो ये 1 कप से थोड़ा सा ऊपर हो गया। 2 चम्मच चाट मसाला लिया, हसबी जरूरत नमक लिया। नमक इसलिए लिया क्योंकि चाट मसाले में नमक कम होता है, तो आपकी मर्जी है डालें, आपकी मर्जी है ना डालें। तो सफेद जीरा लिया 1/2 चम्मच और हाथ की मदद से इसको ऐसे करके रगड़ लिया, जो वो इस तरह का हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चने डालेंगे। फिर आलू ऐड करेंगे। फिर प्याज ऐड करेंगे। फिर बंद गोभी ऐड करेंगे। खीरा डाल देंगे। टमाटर डाल देंगे और इसके साथ जो 1 सब्ज मिर्च काटी हुई ये ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे। ये सब मिक्स हो गया। अब इसके ऊपर चाट मसाला, नमक और सफेद जीरा छिड़क देंगे। फिर मिक्स करेंगे। अच्छी तरह ये सब मिक्स हो गया। अब एंड में इमली का पानी डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। देखिए जी, हमारे आलू छोले बिल्कुल तैयार हो गए हैं। 5 मिनटों में हमारे आलू छोले तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट्स में लाजमी बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।